नमस्कार, आज हरे चने की चटनी बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सर्दी के मौसम में हरे चने की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले 200 ग्राम मैंने हरे चने लिए, छोलिया भी बोला जाता है इनको, हरा धनिया बारीक कटा हुआ लगभग 2-3 चम्मच, साबुत जीरा आधा चम्मच, नमक टेस्ट के हिसाब से लेंगे, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, 2-3 लहसुन की कलियाँ, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक छोटा टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ, आप चाहें तो लाल मिर्च ले सकते हैं, और मैंने यहाँ पे कोई भी मसाले यूज़ नहीं किए हैं, आप चाहें तो धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, चाहें तो प्याज भी डाल सकते हैं, मैं प्याज भी यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिक्सी के जार में सारी चीज़ें डालेंगे, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन, साथ में डालेंगे हरा धनिया, नमक टेस्ट के हिसाब से या लगभग आधा चम्मच से थोड़ा सा कम लगेगा यहाँ पे, साबुत जीरा और साथ में ही डालेंगे ये चने, हरे चने, और पानी हटा के आप चाहें तो छान सकते हैं या इस तरीके से, सिर्फ चने हमें चाहिए। और अब इसको पीस लेंगे। चलिए चटनी हमारी तैयार हो गई है, और इसमें मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला है, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ये देखिए अच्छे से पीस चुकी है, निकाल लेंगे। ये चटनी हमारी तैयार हो गई है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसको दही के साथ में भी खाया जाता है, तो मैं दिखाती हूँ दही के साथ में भी। एक कटोरी के अंदर ले लेंगे थोड़ी सी दही, थोड़ा सा दही को मिक्स कर लेंगे अच्छे से, हल्का सा नमक डालेंगे, ध्यान रखें चटनी के अंदर भी नमक है तो उसी हिसाब से डालें, आधा चम्मच से कम नमक मैंने डाला है, और ये चटनी अच्छे से मिक्स करेंगे, आप चाहें तो मसाले डाल सकते हैं, यहाँ पे मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ थोड़ी सी, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, लीजिए एंजॉय करें हरे चने की चटनी, चाहे तो दही के साथ में या बिना दही के, पराठे या रोटी के साथ में इसको एंजॉय करें। मेरे घर में सुबह ब्रेकफास्ट में इस चटनी को बनाया जाता है और पराठे के साथ में यूज किया जाता है। लीजिए तैयार हुई है हरे चने की चटनी।